मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा। नमस्कार दोस्तों, अभी पीएम मोदी के भाषण का जो टुकड़ा आपने सुना उससे आपको क्या समझ में आया? यही ना कि पीएम मोदी को कोई बात बहुत बुरी लग गई है, इतनी बुरी कि पीएम मोदी के बर्दाश्त से बाहर हो गई है, इतनी बुरी कि मोदी के लिए देश को बताना जरूरी लगा और एक चुनावी सभा में आज मोदी बता गए। आप जानना तो चाहेंगे या शायद अंदाजा लगा चुके होंगे कि आखिर पीएम मोदी को कौन सी बात इतनी बुरी लग गई। क्या जम्मू कश्मीर की एक चुनावी सभा में देश को बताकर उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर लिया, कर्तव्य पूरा कर लिया? इतनी बड़ी बात, इतनी बुरी बात? अगर आपने अपना दिल और दिमाग मोदी भक्ति में गिरवी नहीं रखा है तो आपको सुनकर हैरानी होगी। धैर्य से सुनिए, पीएम मोदी ने और क्या कहा है वो भी बताऊंगा, और क्यों कहा है ये भी, और चैनलों पर यह खबर किस शक्ल में चलेगी वो भी। दो दिन पहले जब मछली खाते हुए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल हुआ था, तभी मैंने कहा था कि चुनाव में विपक्ष के खिलाफ धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे तलाश रहे पीएम मोदी और अमित शाह तेजस्वी के मछली खाने को भी मुद्दा बना ले तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आखिर वही हुआ। मोदी ने लालू यादव और तेजस्वी का नाम तो नहीं लिया लेकिन उनके खाने और वीडियो बनाने का जिक्र करके अपनी मंशा साफ कर दी। जिस शख्स ने 10 साल तक देश पर राज किया है, जिस शख्स के हवाई और झूठे दावों की लंबी लिस्ट है, जिस शख्स ने वायदों के गुब्बारे उड़ाकर आसमान में टांग दिए हैं, जिस शख्स ने बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक के कई अहम मुद्दों पर तमाम सवालों को अनसुना कर दिया है, जिस शख्स ने 10 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, उस शख्स को तेजस्वी यादव के मछली खाने में या कुछ महीने पहले लालू यादव के राहुल गांधी के साथ मटन बनाने में इतना बड़ा मुद्दा मिल गया कि अपने भाषणों में उसका जिक्र करके अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। धन्य है मोदी जी, धन्य है। अब जरा पीएम मोदी के भाषण का वो हिस्सा सुनिए, फिर उनके कहे का पोस्टमार्टम करके आपको हम बताते हैं कि मोदी की आखिर क्या मजबूरी हो जाती है कि हर चुनाव के वक्त धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा ही उठाने लगते हैं, तलाशने लगते हैं। अभी गोली मारो सालों के वाले और ऐसे बहुत सारे लोग आने हैं, कभी कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से जोड़ देते हैं तो कभी मटन मछली खाने पर आ जाते हैं। जरा सुनिए वो टुकड़ा और उसके बाद बहुत कुछ आगे बताने के लिए। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है, इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजा याफ्ता जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। नवरात्र के दिनों में अपना नॉन वेज खाना, आप किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके
किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं, और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा। मोदी ने कहा कि बात जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है लोकतंत्र में, तब मेरा दायित्व बनता है कि देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं और वो मैं कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। क्या मोदी को लोकतंत्र में वाकई अपने दायित्वों की इतनी परवाह है? क्या वाकई मोदी देश को हर जरूरी पहलू के बारे में बताकर अपना कर्तव्य पूरा करते हैं? क्या मोदी के ये बताने से उनका कर्तव्य पूरा हो जाता है कि लालू यादव या तेजस्वी यादव ने मटन या मछली कब खाई, राहुल गांधी ने कब किचन में मटन पकाने में मदद की? देश को यह बताना पीएम के लिए इतना जरूरी काम है, इतनी बड़ी बात थी कि देश के पीएम के लिए यह बात बर्दाश्त से बाहर हो गई। इसी वीडियो में आगे हम पीएम मोदी के बर्दाश्त के पैमाने की भी सप्रसंग व्याख्या करेंगे, लेकिन उससे पहले इस मुद्दे को समझ लीजिए। दुनिया के विश्वगुरु बन चुके प्रधानमंत्री मोदी चुनाव में न सिर्फ मटन और मछली खाने को के मुद्दे को लेकर आ गए, बल्कि नॉनवेज खाने को मुगलिया सोच से जोड़ दिया है। आर ली है नवरात्र और सावन की, क्योंकि आपकी धार्मिक भावनाओं को छेड़कर चुनावी सवारी करना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। मोदी ने अब अगर इस मुद्दे को चुनावी रैलियों में भुनाना शुरू किया है, बोलना शुरू कर दिया है, तो समझ लीजिए बाकी बीजेपी के नेता भी पीछे पीछे वही सब बोलेंगे। बेरोजगारी के आंकड़ों पर नहीं बोलेंगे, ILO की ताजा रिपोर्ट पर नहीं बोलेंगे, महंगाई पर नहीं बोलेंगे, उन वायदों पर नहीं बोलेंगे जो वायदे 10 साल में पूरे नहीं हुए, लेकिन मटन और मछली खाने पर बोलेंगे। वो भी तब जब तेजस्वी यादव साफ कर चुके हैं कि मछली खाने वाला वीडियो नवरात्र शुरू होने से पहले का था। दरअसल हुआ ये कि चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर में यात्रा कर रहे तेजस्वी यादव ने अपने सियासी साझेदार मुकेश सहनी के साथ मछली खाते हुए एक वीडियो 9 अप्रैल की देर रात को ट्विटर पर पोस्ट किया। वीडियो जिस दिन पोस्ट किया गया उस दिन से नवरात्र शुरू हुआ था। उस वीडियो के साथ टेक्स्ट में तेजस्वी ने बकायदा लिखा कि यह मछली खाने का वीडियो 8 अप्रैल का है, यानी नवरात्र से एक दिन पहले का। लेकिन बीजेपी को तो जैसे मुद्दा मिल गया। बीजेपी ने इसे धार्मिकता और सनातन से जोड़कर, हिंदू धर्म से जोड़कर बवाल करना शुरू कर दिया। ट्विटर पर हजारों लोग काम में जुट गए। बीजेपी IT सेल से लेकर मीट मछली के शौकीन बीजेपी नेता तक सब जुट गए तेजस्वी की घेराबंदी करने में। कुछ घंटे बाद तेजस्वी ने खुद सामने आकर बताया कि यह वीडियो नवरात्र से एक दिन पहले का है। वो भी सुनिए और उसके बाद कि प्रधानमंत्री मोदी अगर कहते हैं कि मैं कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं इतनी बड़ी बात बताकर, तो ये लफाजी के अलावा क्या है और वो कैसे कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते, सुनिए पहले। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं लंच में, मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है, एक कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके, और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते कि मछली खिलाया खाते उन्होंने। और मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही बताएंगे। नमस्कार साथियों, ये मछली जो है खास करके मिथिलांचल में कोसी में पाया जाता है, इसका नाम है चेचरा, और मजबूती से हम लोग प्रचार कर रहे हैं, और वही थोड़ा सा समय मिलता तो वही हम लोग का लंच हेलीकॉप्टर में ही हो जा रहा है, और प्याज मछली और मिर्ची ये सारी चीज़ नमक है सारी चीज़ हम लोग खा रहे हैं, और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले, और निश्चित तौर पे हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं,
और आने वाला समय में निश्चित तौर पे हमारे बिहार में बेहतर प्रदर्शन रहेगा और हमारे उम्मीद है कि 40 में 40 सीटों को जीतेंगे मजबूती से। तो जैसे मुकेश जी ने बताया चिचरा मछली जो है वो है, और ये चिचरा मछली जो है कोसी के इलाके में मिलता है, लेकिन बहुत गर्मी है, लू है, तो इसके लिए भी हम लोग जो है मट्ठा और ये आपका बेल का जूस, ये वाटरमेलन, और ये तरबूज का जूस, और ये सत्तू मट्ठा बेल का जूस जो है हम लोग जो है लेके चलते ताकि लू ना लगे, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो, उसलिए हम लोग जो है ये पीने का सामान लेकर के चलते हैं। और आप लोगों को बता दें कि पूरा बिहारी स्टाइल है, पूरा खाने का बिहार के लोग हैं हम लोग, और पूरा जो ठेठ बिहारी लोग जो सत्तू लेके चलता है, मट्ठा लेके चलता है, बेल का जूस पीता है गर्मी में, और ये तला हुआ मछली जो है एक कांटे वाला खाता है, तो वही हम लोग क्यों का खाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शादी जी ने सामने सामने सर इधर सर इधर सर मिर्ची लगेगी, अब मिर्ची लग चुकी है। और दूसरी बात सुनो, ट्वीट में हमने दिनांक दे रखा है, डेट का जिक्र किया है, जो वीडियो डाला है उसमें 8 तारीख का जिक्र कर रखा है, और हम तो IQ टेस्ट भाजपा के नेताओं का और अन्य भक्तों का ले रहे थे, जिसमें कि हम सही साबित हुए। इतनी प्रमुखता से ये मुद्दे की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, गरीबी की बात नहीं करते, शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करते, लेकिन धर्म की जहाँ तक बात आती है कूद गए हैं सब। लेकिन इनके बेचारे नेता गड़बड़ा रहा था अपना फ्रेम है ना, इनको कुछ समझ में आता है, एकदम अज्ञानी लोग हैं, और उसी तरीके से लोग जो है बयानबाजी कर रहे हैं। अरे नेता जितने हैं या जो लोग कमेंट कर रहे हैं या जो लोग सवाल उठा रहे हैं जी, कम से कम ट्वीट तो पढ़ लेते हैं जी, उसमें डेट का जिक्र है कि नहीं है, आप ही बताइए। पहले लाइन में ही 8 तारीख लिखा है दिनांक, ये तो हमने टेस्ट लिया जिसमें भाजपा पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और उनके लोग भी फेल हो चुके। लालू यादव के साथ राहुल गांधी के मटन बनाने या खाने वाला वीडियो भी तब आया था जब सावन खत्म हो चुका था, अगस्त के आखिरी दिनों में सावन खत्म हुआ था और 3 दिन बाद ये वीडियो आया था। सितंबर के पहले हफ्ते में जब लालू यादव और राहुल गांधी का ये वीडियो आया, तब से आज तक 8 महीने बीत गए, 8 महीने। इतने दिनों में और भी कई तरह की रिपोर्ट आ गई, सरकार की नाकामियों की रिपोर्ट, बेरोजगारी पर रिपोर्ट, महंगाई और विकास की कमी से नाराज लोगों को लेकर CSDS के सर्वे आ गए, जिस पर 2 दिन से सोशल मीडिया में बहस हो रही है। बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है उसके आंकड़े आ गए, चुनावी बॉन्ड के आर में बीजेपी के खेल का खुलासा हो गया, बहुत कुछ हो गया देश में इतने महीनों में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए मटन खाना और मछली खाना इतना बड़ा मुद्दा है कि उसके बारे में जानकारी देकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, कितने कर्तव्य परायण है पीएम मोदी, यही कहा जा सकता है। वाह मोदी जी वाह, मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। चुनाव जब सिर पर है तो लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने की बात कहकर मोदी दरअसल लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी। जबकि बीते 10 सालों में ऐसे कई मौके आए हैं जब उन्होंने देश के लाखों लोगों की भावनाओं का कोई ख्याल नहीं किया, और ये सब भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, बस देखते जाइए आखिर तक कब कब नहीं किया। मणिपुर के लाखों लोगों की भावनाओं का ख्याल किया प्रधानमंत्री मोदी ने, 78 दिनों तक मणिपुर में सब कुछ होता रहा, हिंसा होती रही, हजारों लोग घर से बेदखल हुए, बेटियों के साथ क्या हुआ आपने देखा, महिलाओं के साथ किस तरह की बर्बरता हुई आपने देखा, इस पर बहुत बार बात कर चुके हैं, शरणार्थी शिविरों में लोग गए, हत्याएं हुई, बुजुर्ग बच्चे सब शिकार हुए, लेकिन मोदी चुप रहे। तब उन्हें यह ध्यान नहीं आया कि कर्तव्यों का निर्वहन करें और एक बार मणिपुर हो आए। तब प्रधानमंत्री को ध्यान नहीं आया कि मणिपुर भी देश के इसी हिस्से में है और इतनी बड़ी बात मणिपुर में हो रही है और उनके बर्दाश्त से बाहर ये बात क्यों नहीं है, कि उनका दायित्व क्यों नहीं है कि वो देश को बताएं और मणिपुर जाएं। क्या क्या गिनाएं आपको, प्रधानमंत्री मोदी अगर कहते हैं कि मेरा दायित्व बनता है कि देश को सही चीजों से, सही पहलू से अवगत कराएं। देश में कितनी ऐसी घटनाएं हुई बीते कुछ सालों का ही जिक्र करें तो,
और सबसे बेटियों के साथ नाइंसाफियों का जिक्र, बीजेपी की तो सरकार है उत्तराखंड में, अंकिता भंडारी जिसके साथ बीजेपी के एक नेता के बेटे ने बर्बरता की और उसकी हत्या हुई। अंकिता भंडारी के पिता अभी कुछ दिन, परिवार कुछ दिन पहले तक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इंसाफ नहीं मिला। अलग अलग राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में कई ऐसी घटनाएं हैं। दिल्ली में पहलवान बेटियों ने प्रदर्शन किया, पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ और यौन शोषण का आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी सांसद, दबंग सांसद, उसके खिलाफ सब कुछ सबूत के तौर पर पहलवान बेटियों ने बताया, दिया, बयान दिए मजिस्ट्रेट के सामने को और पुलिस के सामने, और उसके बाद उन पहलवान बेटियों को ही घसीटकर जंतर मंतर से हटा दिया गया। तब प्रधानमंत्री को नहीं लगा कि देश को ये उनका दायित्व बनता है कि देश को सही चीजों से अवगत कराएं, सही पहलू से अवगत कराएं। उन बेटियों से जो प्रधानमंत्री के तौर पर मेडल लाने के बाद अपने घर पर, सरकारी आवास पर, सरकारी बंगले पर मुलाकात करते थे, उन बेटियों ने जब धरना प्रदर्शन हंगामा किया यौन शोषण के खिलाफ, बीजेपी सांसद के खिलाफ, तब प्रधानमंत्री को नहीं लगा कि कर्तव्यों का निर्वहन करें। और वो शख्स ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी डंके की चोट पर, कौन काट रहा है, उसका नाम बताओ। तब प्रधानमंत्री को नहीं, नहीं सोशल मीडिया में क्योंकि प्रधानमंत्री वही है जो चुनावी मौसम में कपड़ों से पहचाने जाते हैं वाले नारे दे चुके हैं। पार्टी तो वही है जिसके नेता गोली मारो सालों की के नारे लगाते हैं। सरकार तो वही है जिसके अभी मौजूदा गृहमंत्री इतनी जोर से शाहीन बाग, इतनी जोर से बाहरी दिल्ली में बटन दबाओ कि शाहीन बाग में करंट लगे। ये सब नारे देने वाले लोग तो इसी सरकार में हैं। इसलिए आज अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश को सही सूचना, सही चीज़ों का पहलू बताऊं, ये उनका कर्तव्य बनता है, तो देश में बीते सालों में इतनी घटनाएं हुई है, घटनाओं की लिस्ट है, कर्तव्य प्रधानमंत्री का नहीं बनता है कि वो जो लद्दाख में बैठे सोनम बांगचो प्रदर्शन कर रहे हैं, 20-21 दिन तक बैठे रहे, अनशन करते रहे। आज भी हजारों लोग सोनम वांगचुक के साथ लद्दाख के मुद्दे पर सरकार के वादे की याद दिलाते हुए अनशन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, अलग अलग समय पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री को लगता नहीं कि देश को सही स्थिति से अवगत कराएं और बताएं कि वादा खिलाफी क्यों हुई कि लद्दाख के लोग सड़कों पर उतरे और सोनम वांगचुक जैसे लोग जिन्होंने तब समर्थन किया था मोदी जी को, वो क्यों विरोध कर रहे हैं? तब क्यों नहीं लगा कि सही पहलू बताएं और कर्तव्यों का निर्वहन करें? क्यों नहीं लगा? लेकिन ये तो प्रधानमंत्री की फितरत है कि किसी ढंग से चुनाव के समय ऐसे मुद्दे उठाओ जिससे आपकी धार्मिक भावनाएं भड़के, आप उनकी जो ये उनका जो ट्रैप है और बीजेपी का जो ट्रैप है उस ट्रैप में आए। प्रधानमंत्री को क्यों नहीं लगा कि 10 साल में बताएं कि 10 साल में बेरोजगारों की स्थिति देश में क्या है? बेरोजगार अभी भी अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों में भी प्रदर्शन करते हैं और भी जगह पर। अभी ILO का आंकड़ा है बेरोजगारी को लेकर, उस डेटा पर सरकार का जवाब आया क्या? बेरोजगारी के तो आंकड़े सरकार की तरफ से आने बंद हो गए। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य वहां नहीं बनता है कि वो बताएं हकीकत क्या है। प्रधानमंत्री चूंकि चुनावी ध्रुवीकरण करना है, चूंकि धार्मिक ध्रुवीकरण करना भी कुछ ही महीने पहले की तो बात है, पिछले साल की कर्नाटक के चुनाव में कैसे प्रधानमंत्री ने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ा, तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर है, देखते जाइए आगे क्या क्या होता है, बहुत कुछ होना बाकी है। चूंकि प्रधानमंत्री ने भाषण देना शुरू कर दिया है, 700 लोग किसान आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई, शहीद हो गए। प्रधानमंत्री को लगा नहीं कि कर्तव्यों का निर्वहन करें और देश को सही पहलू बताएं। प्रधानमंत्री के तौर पर एक काम तो करते कि 10 सालों में कम से कम 2-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते, लेकिन आपने एक बार भी नहीं किया। ये क्या किसी प्रधानमंत्री की जवाबदेही नहीं है कि देश को बताएं, मीडिया के सवालों का सार्वजनिक तौर पर सामना करें, जो सवाल उनसे खुले में पूछा जाए। खुले में इसलिए बोल रहा हूं कि इंटरव्यू तो ऐसे भी होता है, अभी न्यूजवीक का इंटरव्यू लग रहा सब प्लांटेड है, आज दैनिक हिंदुस्तान में इंटरव्यू देख रहा था, ऐसा लग रहा प्रचार है, कोई सवाल ही नहीं है, सवाल जैसे गोलगप्पे जैसे सवाल हैं और चपाचप उसके जवाब हैं, लूज बॉल। तो इंटरव्यू तो टेलीविजन चैनलों पर होता है, कई चैनल पर हुए हैं समय समय पर, आप थकते क्यों नहीं हैं और कौन सा टॉनिक लेते हैं और कितना काम करते हैं, कौन सी कविता लिखते हैं टाइप का। तो क्या प्रधानमंत्री को देश को बताना नहीं चाहिए कि 10 साल में क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, या ऐसे सवालों का सामना नहीं करना चाहिए? जिस प्रधानमंत्री ने 10 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो प्रधानमंत्री कह रहा है
कि इतनी बड़ी बात है कि बर्दाश्त से बाहर हो गई, इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि देश को बताएं। क्या प्रधानमंत्री को यह बर्दाश्त हो गया? वो बात बर्दाश्त से बाहर नहीं थी कि देश की पहलवान बेटियां, ओलंपिक मेडल लाने वाली बेटियां यौन शोषण का आरोप लगाकर सड़क पर बैठ जाए। प्रधानमंत्री बर्दाश्त करके चुप रहे, वो बात बर्दाश्त करने लायक थी क्या? कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं प्रधानमंत्री ऐसे घटनाओं को, ऐसे विरोध को, ऐसे उत्पीड़न को? चुप रहते हैं, तब उन्हें नहीं लगता इतनी बड़ी बात है, देश को बताना चाहिए। क्या वो मामूली बात थी? तो ऐसी बातों की लिस्ट अगर हम निकालेंगे, बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन जाहिर है प्रधानमंत्री इन सारे मुद्दों पर बोलना नहीं चाहते हैं, और इसलिए उनकी नाकामियों की जो लंबी लिस्ट है, उस लिस्ट को दबाने के लिए कि उनसे कोई सवाल ना पूछे, इसलिए वो कहते हैं कि फलाने मछली सावन में खाई, फलाने नवरात्र में खाई। हालांकि उस सावन और नवरात्र की भी हकीकत कुछ और है। हालांकि मैं परसों के वीडियो में मैंने बोला था, और फिर बोल रहा हूँ कि कौन कब खाएगा ये उसका निजी फैसला है, ये उसकी निजी च्वाइस है, और ये अधिकार उसे इस देश का के कायदे कानून और संविधान में मिला हुआ। खाने पीने पर कोई पाबंदी और खाने पीने को लेकर कोई कंट्रोल मोदी जी के हाथ में नहीं है। अपने भाषण में भी उन्होंने बोला कि मैं रोक नहीं सकता या मोदी रोक नहीं रहा, लेकिन मोदी जी चालाकी से इस नैरेटिव को आपके जहन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उस दिन बोला, फिर रिपीट करता हूं कि जितने भी तरह के खाने के लिए जो प्लेटफॉर्म है सब चालू है, जितने रेस्टोरेंट देश भर में अलग अलग शहरों में अलग अलग राज्यों में सब चालू है, जहां नॉनवेज मिलता है वो नॉनवेज मिलता है, जहां वेज मिलता है वो वेज मिलता है, जहां दोनों मिलता है दोनों मिलता है, जिसको खाना होता है वो खाता है, जिसको नहीं खाना होता है ना खाए, जिसको जब खाना हो तब खाए, जिसको जब नहीं खाना है तब खाए, ये उसकी च्वाइस है। लेकिन ये च्वाइस प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी की सत्ता तय करना चाहती है, इस च्वाइस का अधिकार भी अपने हाथ में लेना चाहती है, खबरदार जो कोई खाया तो। और इसलिए बहुत जगह ऐसी खबरें आती है कि नवरात्र में जबरन दुकानें बंद करा दी जाती है, जबरन लाठी डंडे के बल पर, बिना सरकारी आदेश के भी, ऐसी भी खबरें बहुत बार आती है। चलिए वो भी आप कर लेते हैं, क्योंकि सत्ता है, सरकार है, ताकत है, लेकिन अब इसे चुनाव में मुद्दा बनाना, 10 साल जो प्रधानमंत्री रहे उनको अब इस मुद्दे की जरूरत पड़ गई। लेकिन मैंने कहा अभी तो शुरुआत, अभी वक्त बाकी है, अभी पहले दौर के चुनाव में भी कई दिन बाकी, तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। कायदे से तो देश को बताना ये चाहिए कि 10 साल में जितने आरोप हैं उन आरोपों का जवाब क्या है। कर्तव्य ये होता कि आप देश को, देश की के मीडिया के सामने आकर, जो मीडिया आपके सामने शरणागत है, कम से कम उसी मीडिया के सामने आकर 2 घंटे बैठते लाइव और उनके सवालों का ही सामना करते। हम देखते तो कि किसने क्या पूछा, और आपने उनके सवालों का जवाब देकर एक प्रधानमंत्री के तौर पर, एक लोकतांत्रिक देश के मुखिया के तौर पर, आपने उनके सवालों का सामना तो किया, लेकिन वो तो आपको करना नहीं है, लेकिन आपको ऐसे भाषण देने हैं। चलिए आप पर इस भाषण का कितना असर होता है ये आप तय करेंगे। प्रधानमंत्री तो तय कर चुके हैं कि चुनाव को किस दिशा में ले जाना है, इसलिए ट्रेलर है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक मुमकिन हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब किया है ज्वाइन कीजिए। नमस्कार।